मध्य प्रदेश के किसान अब कमलनाथ सरकार से भी नाराज हो गए हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से राजधानी भोपाल पहुंचे किसानों ने गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक प्रदेश में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ है। अभी वर्तमान जो सरकार है उन 2 लाख का जो माफ ऋण माफ करने के लिए वायदा किया था, वो कहा था कि 10 दिन में हम आपका 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ करेंगे, और उसमें से गिने चुने मुश्किल से 1-2% लोगों का हुआ, बाकी किसी का नहीं हुआ है। उसमें मैं अपने खुद एक स्वयं व्यक्ति हूँ जो मेरा 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ है। सरकार ने जो 10 दिनों में कर्ज माफी का वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। सरकार ने हमसे वादा किया था कि सारी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, आज तक किसी मंडी में खरीदी चालू नहीं हुई है। सरकार ने हमारा 500 रुपये जो सोयाबीन का भावांतर था वो आज तक हमारे खातों में पैसा नहीं डाला है। बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि आज बिजली किसान को 10 घंटे में से 2 घंटे मिल रही है, जबकि सरकार ने हमको 12 घंटे खेती के लिए बिजली देने का वादा किया था। ऐसी अनेकों मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ राम पवार की रिपोर्ट।